हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं रियल टेल और इस साल की पहली जर्नी होने वाली है आज, जो कि स्टार्ट होगी देवरिया सदर से। आज की जो मेरी ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 18202, अब नौतनवा से चलकर दुर्ग को जाने वाली दुर्ग एक्सप्रेस। मैं हूं अभी देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अभी नया फुट ओवर ब्रिज बन रहा है स्लोपिंग वाला। तो यहाँ पे इस ट्रेन की जो टाइमिंग है वो है 2:36। ट्रेन अपने राइट टाइम पे है, ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है और ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आएगी। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन काफ़ी डेवलप हो गया है दोस्तों, यहाँ पे वाईफाई, मेरे पीछे देखिए कोच गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो कि कौन से कोच, कौन सी ट्रेन की कौन सी कोच कहाँ लगती है आप आसानी से जान सकते हैं यहाँ पे। और बहुत ही सफाई व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ट्रेन नंबर 02569 दरभंगा से नई दिल्ली जा रही क्लोन हमसफर एक्सप्रेस, जो कि देवरिया सदर को स्किप करते हुए तेजी से निकल रही है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DEOS, में आपका स्वागत है और हमारा प्यारा तिरंगा। और ये रहा कैंपस देवरिया सदर रेलवे स्टेशन का। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये देखिए कंप्यूटर आरक्षण केंद्र है, उसके बगल में अभी जो है जनरल टिकट आप ले सकते हैं आराम से। और सामने लगी है हटिया से गोरखपुर जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस। और अब आप देख रहे हैं ट्रेन नंबर 02563 सहरसा से नई दिल्ली जा रही हमसफर क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस का स्कीपिंग देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से। आ गई मेरी ट्रेन जिसका मुझे इंतज़ार था, नौतनवा से दुर्ग जाने वाली WAP-7 पावरफुल इंजन के साथ। आज तो मज़ा आ जाएगा भाई। दोस्तों आज मैं यात्रा कर रहा हूँ तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कक्ष में और मेरी जो कोच नंबर है वो है 26। ट्रेन खुल चुकी है देवरिया सदर के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे। आप देख रहे हैं ट्रेन के अंदर से देवरिया सदर का डिपार्चर। और 24 कहाँ देखो, ये ऊपर वाला, ये ठीक है। बाय बाय देवरिया सदर, मिलते हैं सून। शानदार क्रॉसिंग हो रही है ट्रेन नंबर 12562 दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट के साथ। ट्रेन के इंटीरियर की बात करूं तो ट्रेन में लगी है LHB कोच और 3rd AC का इंटीरियर मैं इससे पहले भी दिखा चुका हूं। अभी आप देखिए सामने शीशा, ये है अपर बर्थ, इधर है साइड अपर साइड लोअर, इधर मिडिल लोअर, यही है। हम पहुंच चुके हैं भटनी जंक्शन। भटनी जंक्शन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहां से बरहज बाजार के लिए और सलेमपुर बनारस के लिए लाइन निकलती है। यहां पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का है। आप देख रहे हैं शानदार डिपार्चर भट्टी जंक्शन से। ये है मेरा फेवरेट वर्क स्टेशन, इतना कंसंट्रेशन मिलता है यहाँ पे, मुझे कहीं नहीं मिलता। भटनी जंक्शन से बनारस स्टेशन तक का जो डबल लाइन का काम है वो बहुत स्पीड से चल रहा है, हो सकता है कि अगले साल तक इनॉग्रेशन भी हो जाए। सो अब दिखाते हैं आप सबको बाथरूम और वेशिंग की क्या कंडीशन है। ये देखिए वेशिंग का कंडीशन तो बहुत बेकार है यहाँ पे, आप देख रहे हैं क्या कंडीशन बन गया है इसका। ये डस्टबिन है इतना गंदा, छी। और यहाँ इसमें पानी आ रही है, यहाँ सॉफ्ट कुछ है नहीं रखा हुआ, ये है सारी बहुत क्लीन सा नहीं है। और ये देखिए टूटा हुआ है ये। यहाँ सबसे अच्छी एक बात ये है कि नीचे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है और ऊपर ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी है, चेन्नई रेल म्यूजियम। और अब देखते हैं वॉशरूम का क्या कंडीशन है अंदर चलकर। तो मैं आ गया हूँ वॉशरूम में, एक बड़ा सा शीशा लगा है, शीशा बहुत क्लीन है, ऊपर फर्स्ट क्लास की है, नीचे बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें। वेशिंग साफ है, नीचे एक डस्टबिन दिख रहा है, यहाँ पे जो है हैंड वॉश भी है
और फ्लश बटन यहाँ पे है, उसको आप लोग दबाया कीजिए ज़रूर। एयर प्यूरीफायर कोई काम नहीं कर रहा है। और हाँ, बाथरूम में सिगरेट पीने वाले खबरदार, यहाँ पीजिएगा तो ऊपर जो है ना स्मोक डिटेक्टर लगा है, पकड़ा जाइएगा। और नीचे मग है जैसा कि आप देख रहे हैं, कुल मिला के ठीक है। दोस्तों, हमारी ट्रेन लग रही है मऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मऊ जंक्शन। मऊ जंक्शन इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर रेल लाइन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे डेली 74 ट्रेनों का स्टॉपेज है और यहाँ से डेली 8 ट्रेन ओरिजिनेट भी होती है। अब आप देख रहे हैं शानदार डिपार्चर अपनी ट्रेन का मऊ स्टेशन से। ट्रेन धीरे धीरे क्रॉस कर रही है ओडिहार स्टेशन से। ट्रेन का स्टॉपेज है नहीं यहाँ, आप इंजॉय कीजिए इस ट्रेन का स्कीपिंग। हाय फ्रेंड्स, तो इस ट्रेन में पैंट्री कार की बोगी नहीं है, तो आप अपने घर से खाना लेकर आइएगा। और ट्रेन की जो कोच कंपोजिशन है वो आपने देखा है, पहले इंजन आई है, फिर फर्स्ट एसी, कम सेकेंड एसी, फिर थर्ड एसी, फिर स्लीपर, फिर जनरल। तो कोच गाइडेंस सिस्टम का ध्यान रखिएगा आप। सो गाइस, ये ट्रेन नौजनवा से खुल के गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बनारस, इलाहाबाद चौकी, मतलब प्रयागराज चौकी, सतना, कटनी, बिलासपुर के रास्ते दुर्ग पहुँचती है। हम पहुँच रहे हैं काशी। I am so excited. प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगी है विभूति एक्सप्रेस, इसलिए हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुंच रही है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और यहाँ पे ये ट्रेन 20 मिनट की देरी से पहुंची है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर, क्योंकि विभूति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे लगी थी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। और आप देख रहे हैं पूरा माहौल भक्तिमय है बनारस रेलवे स्टेशन का। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी ट्रेन जैसे कि वंदे भारत, IRCTC की काशी महाकाल एक्सप्रेस खुलती है। बनारस रेलवे स्टेशन से डेली 53 ट्रेन ओरिजिनेट करती है और 50 ट्रेन टर्मिनेट करती है। बनारस रेलवे स्टेशन पे डेली 193 ट्रेनों का स्टॉपेज भी है। हमारे ट्रेन की यहाँ पे स्टॉपेज है 20 मिनट की, क्योंकि यहाँ पे इंजन चेंज होगा, ट्रेन की डायरेक्शन चेंज होगी। ट्रेन अब निकलने वाली है मिर्ज़ापुर की ओर। बने रहिए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आइए वहाँ पे बातें करते हैं, अपनी रेल क्वेरीज पूछिए मुझसे, मैं वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, बनारस रेलवे स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से मुगलसराय के लिए, यहाँ से वाराणसी सिटी मऊ के लिए, यहाँ से प्रयागराज के लिए, यहाँ से लखनऊ के लिए, लखनऊ के लिए तो यहाँ से 2-3 लाइनें निकलती हैं दोस्तों। इस हिसाब से बनारस रेलवे स्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन रेलवेज के लिए। आप देख रहे हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से। ये देखिए कितना सुंदर स्टेशन है, फाइनली मुझे मिल गया मौका आप लोगों को एक झलक दिखाने का। वाओ, दैट्स सुपर्ब इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी आप देखेंगे वो एक बहुत एक फनी चीज, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। वाओ, कुहासा और ट्रेन और स्टेशन, वो भी बनारस,
क्या डेडली कॉम्बिनेशन है भाई, मजा आ गया आज तो व्लॉगिंग करने में। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय हो विश्वनाथ बाबा की। ओके वाराणसी, फिर मिलते हैं, सी यू सून। ट्रेन हमारी चढ़ चुकी है मदन मोहन मालवीय ब्रिज पे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया काफ़ी पुराना पुल है और ये लाइफ लाइन है मुगल सराय बनारस रेल लाइन को जोड़ने के लिए। आप इंजॉय कीजिए बनारस का राजघाट, और इस पुल से आप मौसम अगर साफ रहेगा रहता है तो 80 घाट देख सकते हैं यहाँ से। रात की रोशनी से जगमगाता मालवीय पुल और पवित्र गंगा नदी, जय गंगे मैया। इस पुल पे चलते समय एक गाना याद आ रहा है मुझे, ये है कि तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये फिल्म मसान, ये गीत मसान का है और इस फिल्म को यही शूट किया गया था। सो दोस्तों, ट्रेन हमारी अराइव कर चुकी है प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे, मिर्जापुर स्टेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं काली मैया की नगरी मिर्जापुर। मिर्जापुर पहुंच के एक ही नाम याद आता है, वो है काली मैया। ये ट्रेन डेढ़ घंटा लेट हो चुकी है, मिर्जापुर की प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर इस ट्रेन की स्टॉपेज है 5 मिनट की। सो आप देख रहे हैं मिर्जापुर से इस ट्रेन को, और मिर्जापुर में डेली 98 ट्रेनों का स्टॉपेज है और यहाँ से कोई भी ट्रेन ऑर्जेट नहीं होती है। कितना फॉग है यहाँ पे। और अभी आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा जाने वाली मुंबई मेल प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आकर लग रही है मिर्जापुर स्टेशन के। दोस्तों एंजॉय कीजिए ट्रेन का डिपार्चर मिर्जापुर स्टेशन से। दोस्तों ये स्टेशन नहीं किसी फिल्म का मानो सेट लग रहा है, और यहाँ पे अभी शूटिंग होने वाली है। भाई क्या नज़ारा है, इतना घना फॉग और हम और ट्रेन। गेस कीजिए कौन सा स्टेशन है और लिखिए कमेंट में। तो प्रेम से बोलिए विंध्याचल महारानी की जय। हम पहुंच चुके हैं विंध्याचल, यहाँ का स्टेशन कोड है VY, और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे इस ट्रेन की स्टॉपेज 2 मिनट है और आप देख सकते हैं कोहरा कितना हैवी हो गया है यहाँ पे। ओह माय गॉड, क्या फॉग है भाई, घना कुहासा। और हमारे ट्रेन का डिपार्चर आप दोनों एंजॉय कीजिए अपने घर में बैठे बैठे वर्चुअली। हमारी ट्रेन लग रही है प्रयागराज चौकी स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज चौकी स्टेशन पे। इस स्टेशन का कोड है PCOI और यहाँ पे डेली मोर देन 113 ट्रेनों का स्टॉपेज है। प्रयागराज चौकी रेलवे स्टेशन को खोलने का एक ही मकसद ये है कि प्रयागराज जो जंक्शन है वहाँ पे काफ़ी ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का रस कम करने के लिए इस स्टेशन को खोला गया था। और यहाँ से हावड़ा, मुंबई, दिल्ली और स्पेशली जबलपुर वाली जो ट्रेनें होती हैं वो यहाँ से साइड से निकल जाती हैं। तो ये इस रूट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन में से एक है। और आप देख रहे हैं कुहासा, फॉगी नाइट, उसमें मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ जाके फॉलो करें, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे। ये देखिए प्रयागराज चौकी का रात का नज़ारा। सो फ्रेंड्स, ट्रेन खुल चुकी है प्रयागराज चौकी स्टेशन से और मैं भी अब जा रहा हूँ उस
सोने क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड मार देगी तो ब्लॉग भी नहीं बन पाएगी। मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अनूपपुर हम पहुंच चुके हैं, ट्रेन लग रही है प्लेटफॉर्म संख्या एक पर। दोस्तों ट्रेन हमारी अनूपपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर आकर रुक चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अनूपपुर स्टेशन पे रोज़ 102 ट्रेनों का स्टॉपेज है और यहां से डेली 2 ट्रेन ऑरिजिनेट भी करती है। अनूपपुर दोस्तों मध्य प्रदेश में है और यहां से डेली 2 ट्रेन भी खुलती भी है। सुबह का बेहतरीन नज़ारा और आप देख रहे हैं ट्रेन का डिपार्चर अनूपपुर स्टेशन से। और आ गई मेरी मंजिल जो कि है पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जर्नी करने वाला हूँ पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से और ट्रेन लग रही है पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर। आप सबको मैं जानबूझकर गोंडिया बरौनी का अनाउंसमेंट सुना रहा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेन का अनाउंसमेंट। और इसी के साथ मेरी ट्रेन को मैं सी ऑफ कर रहा हूँ, ट्रेन खुल चुकी है अपने आगे के डेस्टिनेशन के लिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पेंड्रा रोड में क्यों उतरा और फिर मुझे कहाँ जाना है। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पे। इस रेलवे स्टेशन का कोड है PND और यहाँ पे डेली 77 ट्रेनों का स्टॉपेज है। पेंड्रा रोड में दोस्तों जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 3 हैं और ये अमरकंटक हिल स्टेशन का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। क्योंकि मेरा कॉलेज है अमरकंटक में तो मैं यहीं उतरा हूँ। अब आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा, ये बहुत बढ़िया ट्राइबल पेंटिंग बना हुआ है आगे की गेट पे। और यहाँ से आप इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक हिल स्टेशन के लिए कैब ऑटो बुक करके जा सकते हैं। आराम से आपको शेयर में भी मिल जाएंगी, बुक भी कर लेंगे आप, और एक बार ज़रूर आइए यहाँ। सो गाइज, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम पेंड्रा रोड। सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा मुझे, हमेशा एक्टिव रहता हूँ आप लोगों के लिए।